तो गाइस आज हम लोग GTA 5 में फ्रैंकलिन के लिए एक कमाल का बंकर तैयार करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार, काफी दिन बाद आज यार वीडियो आ रही है, क्योंकि भाई एक मैं बहुत लंबे ब्रेक पे था, लेकिन भाई अब वीडियोस रेगुलर आने वाली हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले तो गाइस आज यार फ्रैंकलिन के लिए हम लोग एक कमाल का घर तैयार करवाने वाले हैं। गाइस यार, आप लोग को बंकर तो कितने ज्यादा पसंद है मुझे पता ही है। तो गाइस मैंने सोचा है क्यों ना यार आज इसके लिए हम लोग एक क्वाड्रिलिनियर बंकर तैयार करवाएं। तो उसी के लिए आज मैं जा रहा हूं यार कंस्ट्रक्शन वालों के पास। वैसे गाइस ये देख सकते हो, इतने दिनों में हमने अपनी कार को मस्त अपग्रेड कर लिया है, लेकिन बाइक अभी भी वैसी ही है। तो चलो यार फटाफट सबसे पहले हम लोग निकलते हैं यार किसी बंकर बनाने वाले के पास। उससे पहले आप लोग जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फटाफट गाइस हम लोग पहुंचते हैं PDM के पास, जहां भाई एक यार कंस्ट्रक्शन करने वाला है जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो पक्का भाई हमारे लिए एक मस्त क्वाड्रिलिनियर बंकर बना सकता है। सो गाइस ये जो बिल्डिंग आप लोग देख सकते हो यार, इस बिल्डिंग के आसपास कई सारे कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो चलो चल के इनसे मिलते हैं। एंड सामने देखो भाई, यहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, तो फटाफट उतरते हैं और चल के जरा इनसे बात करते हैं। हेलो सर, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं फ्रैंकलिन, बताओ क्या काम है? मुझे एक क्वाड्रिलिनियर बंकर तैयार करवाना था मेरे लिए, और गाइस ये बंकर यार हमारे घर के आसपास ही कहीं ना कहीं होने वाला है, और इसका गेट भी बहुत ज्यादा खुफिया मैं बनवाऊंगा, ताकि भाई कोई भी यार किसी भी तरीके से उसके अंदर ना जा पाए, और भाई किसी को उसके अंदर जाने का रास्ता भी ना पता हो। बिल्कुल फ्रैंकलिन, बन जाएगा, परेशान मत हो। क्या बात है यार, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। हम लोग चलते हैं अपने घर पे। एंड सर, आप लोग थोड़ी देर में बस पहुंच जाइएगा। जरूर, तुम चल के पैसे इकट्ठे करो। ठीक है भाई, तो चलो यार चलते हैं घर पे, और यार मुझे भी काफी सारे पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने घर जाएंगे, वहां से अपनी कार लेने वाले हैं, और कार लेके जाने वाले हैं सीधे बैंक में, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं यार इस बंकर को तैयार करवाने के लिए। बाय द वे गाइस, अगर आपने अभी तक मिलियनेयर ट्रिलियनेयर टाइप्स के बंकर्स नहीं देखे हैं, तो वो भाई सारे देख लेना यार, कमाल के वीडियोस हैं, उसका सारे का लिंक मैं इधर आई बटन पे डाल दूंगा। ऑल राइट गाइस, तो घर पे हम लोग आ चुके हैं, एंड हमारी यार ये बाइक भी काफी ज्यादा खटारी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना यार हम लोग एक नई बाइक ले लें अपने नए बंकर के साथ। फिलहाल के लिए तो यार मैं अपनी बाइक को यहीं लगा देता हूँ, और निकलते हैं भाई अपनी इस कार से बहुत सारे पैसे लेके आने। एंड देख सकते हो भाई इस कार को हमने कैसे अपग्रेड किया है, इसके डोर्स आपने देखा यार किस तरीके से ओपन हुए हैं। तो चलो यार फटाफट अब निकले अपनी इस सुपर कार को लेके अपने सबसे क्लोजेस्ट बैंक के पास। एंड गाइस ये हमारे सामने लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बैंक आ चुका है। चलो अपनी कार को हम लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं, जो कि परफेक्ट लोकेशन है। एंड ये लोग मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं यार, ऐसा मैं डरावना कहाँ दिख रहा हूँ? चलो यार अंदर चले। एंड ये रहा ATM, फटाफट भाई अब इसमें से बहुत सारे पैसे हम लोग निकालते हैं। ये मैंने डाला अपना पिन। एंड गाइस ये देख सकते हो यार, इधर दो दो बॉक्सेस में टोटल 1 quadrilinear पैसे आ चुके हैं। तो चलो यार अब इन सारे पैसों को हम लोग रखते हैं अपनी कार के छत पे, और फटाफट लेके चले सारे पैसों को घर पे। एंड मेरे ख्याल से अब तक यार वो कंस्ट्रक्शन वाले आ भी चुके होंगे, तो जल्दी से सब कुछ लोड करते हैं एंड निकलते हैं बिना देर किए। एंड ये सारे पैसे देख सकते हो यार हमने रख लिए अपने कार पे, बस यार इसमें से एक भी नोट गिर ना जाए, वरना भाई बड़ा लॉस हो जाएगा मुझे, क्योंकि भाई एकदम हमने कट टू कट पैसे निकाले हैं, ना ज्यादा ना कम, सारा ले जाके भाई सीधे उनको दे देना है। तो चलो यार अब जल्दी से बस पहुंचते हैं अपने घर पे। एंड गाइस आपने यार अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। एंड सारे पैसे लेके पहुंच चुके हैं भाई हम लोग अपने घर पे, और देखो यार जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन वाले आ चुके हैं। चलो यार अपने सारे पैसों को अभी फिलहाल के लिए तो मैं अंदर या तिजोरी में ले जाके रख देता हूँ। एंड देख सकते हो यार यहाँ पे सब सामान भी आ चुका है यार, ये रहे कुछ यार बालू गिट्टी ईंटें बहुत सारे मशीन, और चलो यार इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि कब तक ये तैयार हो जाएगा। सर ये बंकर आपका आज शाम तक तैयार हो जाएगा। ठीक है यार, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शाम तक हमारा बंकर तैयार हो जाएगा, तब तक हम लोग चलते हैं बाहर। सबसे पहले इन पैसों को ले चल के रख देता हूँ मैं अंदर, और आप लोग देख लो भाई वो सारे पैसे हमने कहाँ पे रखे हैं। ये देखो भाई ये जो हमारा वार्डरोब है, यहाँ भाई एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो जिससे भाई मेरी नजर हमेशा इस पे बनी रहेगी, मुझे पता चल जाएगा अगर भाई
कोई भी मूवमेंट होती है या कोई यहाँ आता है यार इसे चोरी करने के लिए। तो चलो यार अब हम लोग बस जल्दी से चलते हैं यहाँ से बाहर। और मैं सोच रहा हूँ यार एक मस्त सी हम लोग कार लेके आते हैं यार सिमियन के शोरूम से। सर आप लोग अपना काम शुरू कर दो और मैं शाम को सीधे आता हूँ यार बंकर देखने के लिए। देखते हैं गाइस आखिर ये लोग किस टाइप का बंकर तैयार करके देखते हैं, उसमें यार बहुत सारे पैसे हो यार तो मजा ही आ जाएगा। तो आने वाले हैं गाइस हम लोग यार सिमियन के शोरूम पे, चले यार वहाँ कोई मस्त सी कार देखते हैं और इसे भाई वहीं छोड़ के हम लोग एक बढ़िया सी कार लेके आएंगे जिसे भाई हम लोग अपने नए नए बंकर में रखने वाले हैं। और यार यहाँ पे तो कोई कार ही नहीं दिखाई दे रही है यार, ये क्या हो गया है भाई? सिमियन कहाँ पे हो यार तुम? ये क्या यार यहाँ पे ये सिमियन रो क्यों रहा है? क्या हो गया सिमियन तुम भाई रो क्यों रहे हो यार? फ्रैंकलिन एक गुंडे ने मेरी सबसे महंगी कार लेके चला गया। भाई तो वो पैसा तो दिया होगा तुम्हें यार, ऐसे थोड़ी कोई लेके जा सकता है। उसने मेरे पे गन लगाया और लेके चला गया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम रो मत यार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम यार सीसीटीवी हो तो दिखाओ यार उसका फुटेज। हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो फिर यार हम लोग चल के देखते हैं यार सिमियन अंदर गया हुआ है। और सिमियन चलो खोलो यार सीसीटीवी देखूं मैं क्या दिक्कत है। ओके गाइस तो ये तो यार मेन कैमरा है एंड इधर यार एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। और यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सीधे अंदर गया, सिमियन फोन चला रहा है और भाई ये तो यार डायरेक्ट उसके ऊपर यार गन लगा दिया है। सिमियन भाई तुम्हें पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो रखना चाहिए। चलो अच्छा भाई दूसरे कैमरा एंगल से देखते हैं एंड सिमियन ने यहाँ हैंड्स अप कर लिया और भाई ये तो यार सीधे उस कार में बैठने जा रहा है। और भाई साहब इस कार को ये लेके यहाँ से निकल गया। और गाइस मैं शायद से इस गैंग को जानता हूँ, ये भाई कोई मामूली गैंग नहीं है। लेकिन तुम भाई परेशान मत हो सिमियन, मैं तुम्हारी उस कार को लेके आऊंगा। ठीक है फ्रैंकलिन जल्दी आना। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं उसकी कार को लेके आता हूँ किसी भी हाल में। एंड गाइस यार आप लोग फटाफट इस वीडियो पर लाइक कर दो ताकि गाइस मुझे यार थोड़ा सा गुड लक मिले। तो चलो अब जल्दी से पहुंचते हैं यार, मैं जानता हूँ भाई वो कार कहाँ पे हो सकती है। एंड वो सामने देखो गाइस, वहाँ सामने रेड कलर की कार आपको दिखाई दे रही है, वो भाई बेलास गैंग का लोकेशन है। और भाई उन्हीं के पास देख सकते हो यार सिमियन की कार है। ये देखो भाई कुछ गुंडे यहाँ से जा भी रहे हैं। एक मिनट भाई मैं अपनी कार को यहाँ पार करता हूँ एंड उधर जाना यार खतरे से खाली नहीं होगा। तो भाई एक मिनट, सबसे पहले हम लोग इधर से देखते हैं और देख सकते हो भाई वो रेड कलर की कार वहाँ पे खड़ी है। और थोड़ा सा आगे बढ़े एंड यहाँ से क्लियरली देख सकते हो भाई की वही कार है। एंड गाइस अगर मैं अपने कैमरे से जूम करके देखूं तो ये देखो ध्यान से गाइस ये वही सेम टू सेम कार है। सो गाइस मेरे तो ख्याल से इधर सामने से जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, अगर पीछे से कोई रास्ता हो तो हम लोग जंप लगा के आ सकते हैं। रुको भाई मैं ऐसा करता हूँ, इधर यार हम लोग पीछे से जाने की कोशिश करते हैं, शायद भाई उधर से कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाए। तो गाइस मेरे ख्याल से इन सब घरों के ऊपर अगर हम लोग चढ़े एंड यार ये देख सकते हो हम लोग यार काफी ज्यादा अब क्लोज आते जा रहे हैं, इस घर से इस घर पे जाते हैं एंड यहाँ से भाई जंप लगाना था यार फ्रैंकलिन। चलो भाई कोई बात नहीं, इधर हम लोग आ जाते हैं और शायद हम लोग काफी ज्यादा अब क्लोज आ चुके हैं एंड इधर गैंग का कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल संभल के आगे बढ़ते जाते हैं इसी तरीके से। एंड एक मिनट गाइस ये देखो हम लोग कितनी ज्यादा पास में पहुंच चुके हैं, पर इधर यार दो बंदे हैं तो शायद से भाई इधर से हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमें यार उधर और पीछे की साइड जाना पड़ेगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ इधर इसे पार करता हूँ और भाई एकदम इस कार के बैक में हम लोग पहुंचते हैं। एंड ये देखो शायद अब हम लोग और भी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं इस सिमियन की कार से। एंड गाइस मेरे ख्याल से अपने हाथ में मुझे अब गन ले लेना चाहिए क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमें बस चुपके से जाना है, उस कार पे बैठना है और निकल जाना है। यहाँ पे इन झाड़ियों के पीछे से जाते हैं और भाई सामने बस हमें दौड़ के निकलना है। यहाँ पे सबसे पहले तो इन सबको मारते, ओ शिट यार यहाँ पे शायद मैंने गलती कर दी यार इन पे गोलियां चला के और भाई ये सारे ही गन चलाने लगे हमारे ऊपर। लेकिन यार हमने यहाँ पे निकाल लिया है इस कार को, भाई यार कमाल की यार चोरी हुई है। तो भाई वो लोग शायद से अब हमारा पीछा करेंगे। लेकिन गाइस इसमें देख सकते हो यार टोटल 6 व्हील्स हैं एंड इसका स्पीड यार किसी के भी टक्कर का नहीं है। तो चलो भाई तेजी से हम लोग इसे निकालते हैं एंड ले चलते हैं यार सिमियन के शोरूम पे। और भाई मैं तो यार होप करता हूँ यार कि कुछ गिफ्ट दे दे सिमियन तो मजा ही आ जाएगा। तो चलो यार अब चल के देखते हैं यार कि उसे कैसा लगता है अपनी इस खोई हुई कार को दोबारा पाकर। एंड इस कार को गाइस हम लोग लेके आ चुके हैं सिमियन के शोरूम पे
पे। चलो इसे परफेक्ट यहीं पे पार्क कर देते हैं। वैसे कार तो है बहुत मस्त यार सच में। यहाँ सामने देखो भाई, मर्सिडीज का बहुत बड़ा सा लोगो लगा हुआ है। इसमें टोटल 6 व्हील्स हैं और देख सकते हो ऐसे मॉन्स्टर व्हील्स लगे हुए हैं। एंड ये रहा भाई इसका खतरनाक सा स्पॉइलर। चलो भाई अब अंदर चले और सबसे पहले तो यार सिमियन को खुशखबरी देते हैं। एंड इसने देख सकते हो यहाँ डर के मारे भाई सारी कार्स को ही हटा दिया है, क्योंकि सीसीटीवी में आपने देखा होगा कि यार सारी कार्स लगी हुई थी। जाओ सिमियन, आ गई तुम्हारी कार। फ्रैंकलिन क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल भाई यार, मैं क्या झूठ बोलूंगा, बाहर आके तो देखो तुम एक बार। अरे वाह फ्रैंकलिन, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी कार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। गाइस वैसे यार मुझे एक दो गोलियां यहां पे लग गई हैं। चलो यार इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन भाई देख सकते हो यार ये शानदार सी कार अब आ चुकी है। चलो सिमियन अब मुझे भी कुछ यार गिफ्ट तो दो। फ्रैंकलिन मेरी तरफ से ये कार तुम्हारी हुई। ओ भाई ये क्या मजाक है यार, मतलब भाई ये शानदार सी कार हमने जो इतनी मेहनत से ले आई है ये भाई मेरी हो चुकी है। सिमियन तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो यार? बिल्कुल भी नहीं फ्रैंकलिन। अरे तो फिर यार मजा ही आ गया। चलो भाई फिर हम लोग इसे लेके अब हम लोग निकलते हैं यार अपने घर पे। गाइस सच में यार ये कार मुझे मिल गई, विश्वास नहीं हो रहा है। और भाई वैसे भी यार मुझे कार लेनी ही थी और फ्री में मिल गई यार, क्योंकि हमने सिमियन की इतनी मस्त मदद की है। तो चलो यार वापस चलते हैं हम लोग यार अपने घर पे, क्योंकि मेरे ख्याल से शाम हो चुका है और बंकर अभी तक तैयार हो चुका होगा। एंड अपनी इस नई नई कार को लेके आ चुके हम लोग घर पे और कंस्ट्रक्शन वाले सारे जा चुके हैं। मतलब कि भाई पक्का यार हमारा बंकर बनके तैयार हो चुका होगा। पर यार ये लोग बनाए कहाँ पे होंगे यार, मैंने लोकेशन तो कुछ बताया नहीं था। चलो यार वैसे बाहर तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्लू, एंड इस तरफ भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से यार ये लोग चौप के घर के आसपास ही अक्सर बनाते हैं। तो चौप का घर यहाँ पे है, इन सीढ़ियों के नीचे भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। भाई ये क्या मजाक चल रहा है चौप, बताओ भाई तुम जानते हो क्या कहीं? एंड एक मिनट भाई ये देखो भाई, यहाँ पे एक बटन आपको दिखाई दे रहा है। एंड यार यहाँ पे ऊपर नीचे करने का एरो भी बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से यार यही बटन है जिससे भाई हमारा बंकर कहीं से तो बाहर निकल के आएगा। चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रेस करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। एंड गाइस ये तो हमारे सामने ही है बंकर, और भाई कैसे यार इस पानी के अंदर से पाइप निकल के बाहर आ रही है। तो चलो यार फटाफट हम लोग अब इसके अंदर चलते हैं, देखें भाई आखिर ये हमारा बंकर कैसा बनके तैयार हुआ है। एंड गाइस हम लोग आ चुके हैं यार अपने इस बंकर में इस वाली पाइप से। एंड देख सकते हो भाई ये तो यार बड़ा ही शानदार सा बंकर तैयार किया है इन लोगों ने। ये रहा भाई इसका गैराज। एंड देखो भाई इसमें कार वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई लुक तो यार सच में बड़ा शानदार है। ये देख रहे हो यार गैराज से ही यार मस्त हम लोग इधर निकल सकते हैं बालकनी में। एंड देख रहे हो भाई बालकनी में इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे भाई मस्त बैठ के चिल करो। एंड इसके बाद गाइस इधर है हमारे पास एक पूल टेबल, एंड पूल टेबल के साथ ही गाइस इस तरफ है भाई एक स्विमिंग पूल हमारे पास, जो कि ज्यादा गहरा तो नहीं है पर ठीक है भाई, अंडरग्राउंड इतना होना यार भी एनफ है। तो चलो भाई अब हम लोग यार और भी घर का टूर लेते हैं अंदर चल के। एंड इस तरफ भाई ये पता नहीं कैसा सा एरिया है। एंड इस तरफ भाई मेरा छोटा सा यहाँ पे वर्किंग टेबल भी है। एंड इसके बाद भाई इतना ही नहीं यार इसका एक छत भी है, जो चलो भाई मैं तुम्हें अभी चल के दिखाता हूँ। ये देखो यार यहाँ पे इतना बड़ा सा छत है। एंड भाई वहां देख सकते हो यार उस पाइप से होते हुए हम लोग इधर आए थे, यहाँ एक छोटा सा गार्डन टाइप का है। एंड चारों तरफ से बस यही दिक्कत है कि कुछ भी बाहर का नजारा हमें नहीं देखने को मिलता है। एंड इस तरफ भाई ऊपर छत पे भी बैठने के लिए है। बाकी भाई यही रहा यार इस घर का टूर। आप लोग बताओ यार आपको ये घर कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और भाई वहां से निकलने के बाद ये रहा हमारा छोटा सा लिविंग रूम। तो गाइस अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग बताना यार कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए भाई बाय एंड कीप प्लेइंग।